हेलो दोस्तों, आरओ यारो के इस निशुल्क प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को इस प्रोग्राम से जुड़ के बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की सुबह वाली क्लास में हम लोग उन संगठनों का अध्ययन करेंगे जो कि कांग्रेस से पहले स्थापित किए गए थे। और आपको जैसे पता है कि सुबह वाली क्लास में हम लोग लगातार आधुनिक इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये क्लास आज 12 बजे आई है। पहले क्लासेस 10 बजे आती थी, तो मॉर्निंग वाली क्लास अब 12 बजे ही आया करेगी। और जो शाम वाली क्लास है, जिसमें कि हम लोग भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे हैं, वो क्लास आपकी 6 बजे की बजाय 8 बजे आया करेगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस से पूर्व जो भी महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन स्टार्ट किए गए थे उनके बारे में। और यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज समझनी होगी कि जब 1857 की क्रांति हुई, तो उसके बाद भारत के जो लोग थे उन लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया कि अंग्रेज क्या चाहते हैं, उनकी मनसा क्या है। इसीलिए भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के लिए बहुत से राजनीतिक संगठन का स्थापित होना शुरू हुआ। और ये राजनीतिक संगठन इसलिए स्थापित किए जा रहे थे ताकि भविष्य में अंग्रेजों के समक्ष अगर कोई मांग रखनी हो तो वो एक संगठित तरीके से रखी जा सके। क्योंकि 1857 की क्रांति में आपने देखा कि जो भारत के लोग थे वो संगठित नहीं थे, ना ही उनका कोई संगठन था। अब भारत के लोग इस चीज को अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि अगर हमें राष्ट्रीयता की भावना जगानी है सामान्य जनमानस में, ठीक है, या फिर अपने अधिकारों को लेकर कोई मांग करनी है, ठीक है, या फिर ब्रिटिश सरकार के समक्ष कोई भी मांग रखनी है, तो हमें एक संगठन की आवश्यकता है ताकि हम एक साझे रूप में अपनी मांग को किसी के समक्ष रख सकें। अधिकारों की मांग करनी हो या फिर भारत के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगानी हो, तो इसके लिए भी एक संगठन की अनिवार्यता थी। इसीलिए अब आप देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद बहुत से राजनीतिक संगठनों का उदय होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्थापित हुआ बंग भाषा प्रकाशक सभा। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है, बंग भाषा प्रकाशक सभा की अगर हम बात करें तो ये 1836 में राजा राम मोहन राय के सहयोगियों के द्वारा स्थापित किया गया था। और ये भारत का पहला राजनीतिक संगठन था। ठीक है, तो कब स्थापित किया गया था बंग भाषा प्रकाशक सभा? 1836 में। देखो, यहां पर मैं आपको कोई बहुत ज्यादा समझा नहीं सकता हूं, क्योंकि इतिहास अगर थोड़ा सा हम बड़े स्तर पर सोचे आईएएस वगैरह के लिए, तो वहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट दिया जा सकता है। लेकिन देखो, आरओ यारओ की अगर हम बात करें तो यहां पर आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से कि बंग भाषा प्रकाशक सभा। यहां पर देखो, आरओ यारओ में क्वेश्चन को टफ भी करेगा तो टफ आएगा, सिर्फ कोई एक ऐसा तथ्य आ जाएगा जो आपने नहीं सुना होगा। यहां पर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल लेवल पर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि चीजें आपको रटनी पड़ेंगी। तो हम लोग बात कर रहे थे बंग भाषा प्रकाशक सभा की, जिसकी स्थापना 1836 में राजा राम मोहन राय के सहयोगियों के द्वारा की गई थी। और ये भारत का पहला राजनीतिक संगठन था। उसके बाद देखो, हम लोग बात करेंगे जमींदारी एसोसिएशन, या फिर इसको लैंड होल्डर्स सोसाइटी भी कहते थे। तो जमींदारी एसोसिएशन या फिर लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में किसके द्वारा? द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। यहां से जो भी क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं वो या तो ये बनते हैं कि इस संगठन की स्थापना कब हुई या फिर किसके द्वारा हुई। ये सारी चीजें आपको यहां पर जानना जरूरी है। तो हम लोग बात कर रहे थे जमींदारी एसोसिएशन की, इसकी स्थापना 1836 में द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और ये देखो, जमींदारी एसोसिएशन पहला संगठन था जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि
कि किस संगठन ने सबसे पहले संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया, तो वो था जमींदारी एसोसिएशन, जिसे आप लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद देखो हम लोग बात करेंगे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की अगर हम लोग बात करें तो ये जमींदारों के हितों पर आधारित थी, क्योंकि बहुत से संगठन ऐसे भी बने जो कि जमींदारों के हितों पर आधारित थे। ठीक है, कुछ लोग सामान्य कुछ संगठन सामान्य जनमानस के लिए थे, ठीक है, कुछ संगठन समाज के उच्च वर्गों के लिए थे, कुछ संगठन जमींदारों के लिए थे, तो ये भी संगठन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। तो जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी ये जमींदारों के हितों के लिए बनाई गई थी, और इसकी स्थापना किसने की थी, जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में 1843 में हुई थी। ठीक है, तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1843 में, और जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में, और ये जमींदारों के हितों पर आधारित संगठन था। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की। देखो यहाँ पर नाम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, तो ये सारे नाम लगभग लगभग कहीं ना कहीं आपको एक जैसे लगते होंगे, लेकिन अगर आप इनको बार बार पढ़ेंगे और अपनी किसी भी ट्रिक से अगर इनको याद करने का प्रयास करेंगे तो ये बहुत ही ईजिली याद हो जाते हैं। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लोग आपको 50 ट्रिक बताते हैं, ऐसे याद करो वैसे याद करो। देखो ट्रिक का जो मसला है वो अपना व्यक्तिगत मसला होता है। जैसे मान के चलिए मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर मान के चलिए मैंने आपको ये 10 संगठन पढ़ा दिए, अब ये आपकी जिम्मेदारी है आप किस ट्रिक से उसको याद करना चाहते हैं, तो आप अपने टेबल चेयर पर बैठिए और उसके लिए अपनी कोई भी व्यक्तिगत ट्रिक को इजाद कर लीजिए ताकि चीजें आपको बेहतर तरीके से याद रहें। तो अब देखो हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की। तो जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी, ठीक है, और जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, उसको मिलाकर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अब देखो यहां पर जो ये जमींदारी एसोसिएशन यानी कि लैंड होल्डर सोसाइटी थी और जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, इन दोनों संगठनों को मिलाकर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का निर्माण किया गया था। और इसकी स्थापना देखो किसने की थी, इसकी स्थापना की थी राधाकांत देव ने 1851 में। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर, और इसकी स्थापना किसने की थी, राधाकांत देव ने, कब की थी, 1851 में। और देखो देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो इसके प्रमुख सदस्य थे, ठीक है, और इस सोसाइटी ने नील विद्रोह जो कि 1859 में हुआ था उसकी जांच बिठाने की मांग की थी। हिंदू पैट्रियट इस ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का मुख्य पत्र था जिसके संस्थापक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। तो जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था इसने नील विद्रोह के ऊपर जांच बैठाने की मांग की थी, ये पूछा जा चुका है। और आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था इसका एक मुख्य पत्र था हिंदू पैट्रियट, ठीक है, क्या नाम था, हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट के संस्थापक कौन थे, 50 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हिंदू पैट्रियट के संस्थापक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया लीग की। तो इंडिया लीग की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, शिशिर कुमार घोष के द्वारा 1875 में, ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि इंडिया लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इंडिया लीग की स्थापना की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा, कब की गई थी, 1875 में, ठीक है। और जो इंडिया लीग था ये पहला संगठन था जिसका उद्देश्य राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार करना था, ठीक है। तो इंडिया लीग पहला संगठन था
जिसका उद्देश्य राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार करना था। अब देखो जो ये शिशिर कुमार घोष है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पत्रिका के संपादक भी रहे हैं और उस पत्रिका का नाम है अमृत बाजार पत्रिका। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, तो ये थे शिशिर कुमार घोष। तो इंडिया लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1875 में की थी। इंडिया लीग पहला संगठन था जिसका उद्देश्य राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार करना था, और अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे, शिशिर कुमार घोष। ठीक है, मैं आपको बहुत ही आराम से समझाता हुआ चला जा रहा हूं, अगर आप बार बार इसको सुन भी लेंगे तब भी चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी। अब देखो हम लोग बात करते हैं इंडियन एसोसिएशन या फिर भारत संघ की, और ये जो इंडियन एसोसिएशन या फिर भारत संघ है, ये कांग्रेस से पहले स्थापित होने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन है, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस से पहले अगर जितने भी संगठन स्थापित किए गए तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो संगठन था वो ये इंडियन एसोसिएशन या फिर इसको भारत संघ कहते हैं, तो ये था। ठीक है, तो अब देखो इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा कहां पर की गई थी, कलकत्ता में। ठीक है, तो इंडियन एसोसिएशन या फिर भारत संघ की जो स्थापना है वो दो लोगों ने की थी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये प्रमुख थे, उसके बाद आनंद मोहन बोस, और कब की गई थी, 1876 में, और कहां पर की गई थी, कलकत्ता में। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखो जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे इनको राष्ट्र गुरु की संज्ञा भी दी गई थी, तो ये आप फैक्ट याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसी बनडे एग्जाम में कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किसकी संज्ञा दी गई थी, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्र गुरु की संज्ञा दी गई थी। अब देखो जो इंडियन एसोसिएशन था इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। ठीक है, और जो ये आनंद मोहन बोस थे ये इंडियन एसोसिएशन के सचिव थे, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इंडियन एसोसिएशन का सचिव कौन था, तो ये थे आनंद मोहन बोस। और देखो जो ये इंडियन एसोसिएशन था इसकी स्थापना इंडियन लीग के स्थान पर की गई थी, अभी हम लोगों ने ये जो इंडियन लीग पढ़ी इसी के स्थान पर इंडियन एसोसिएशन या फिर भारत संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडियन एसोसिएशन को कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का दर्जा प्राप्त था, तो जो ये इंडियन एसोसिएशन थी कांग्रेस से पहले ये एकमात्र ऐसी संस्था थी जिसे कि अखिल भारतीय स्तर का दर्जा प्राप्त था, और इस एसोसिएशन या फिर इस संगठन ने देखो क्या किया था, जमींदारों की जगह मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी थी। अच्छा, अभी तक जो संगठन बन रहे थे वो समाज के उच्च वर्ग के लोग उसको बना रहे थे, ठीक है, तो उनका मेनली जो कंसर्न होता था वो ये होता था कि हम जमींदारों को टारगेट, मतलब जमींदारों के हितों की बात करेंगे या फिर जो समाज का जो उच्च वर्ग है उसकी बात करेंगे। लेकिन इंडियन एसोसिएशन इतने बड़े स्तर पर इसलिए भी फैला क्योंकि इसमें जमींदारों की जगह मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी। ठीक है, उसके बाद देखो राजनीतिक सुधारों के लिए विरोध करने वाले पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी ही थे, ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया है इसी भाषा में कि राजनीतिक सुधारों के लिए विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब देखो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का कुछ और हम लोग परिचय थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या इनके द्वारा किया गया, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन ने सिविल सर्विसेस आंदोलन या भारतीय जनपद सेवा आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि इंडियन एसोसिएशन द्वारा सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में सिविल सर्विसेस आंदोलन या भारतीय जनपद सेवा आंदोलन चलाया गया था। ठीक है,
और आपको ध्यान रखना है कि जो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, ये पहले असम के कलेक्टर थे, यानी कि उस समय पर जैसे आज IAS होता है, उस समय पर शायद ICS होता था या कुछ ऐसा ही था। तो ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ICS थे और असम के कलेक्टर पद पर रहते हुए इनको बर्खास्त किया गया था, कब? 1874 में, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कर दी, ठीक है। उसके बाद देखो 1883 में इन्होंने एक केस और किया था कि इन्होंने अपने पत्र में, इनका पत्र था बंगाली, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपने एक पत्र में, जिसका नाम बंगाली था, मैं कलकत्ता के जो न्यायाधीश थे JF नॉरिस की आलोचना की थी, और इसी कारण सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 2 माह की सजा भी हुई थी, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना, सबसे पहले तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 1874 में असम के कलेक्टर के पद से बर्खास्त किया गया था, और फिर 1876 में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन का गठन किया, और 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपने पत्र में, जिसका नाम क्या था, बंगाली, क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाली पत्र किसके द्वारा संपादित था या फिर किसके द्वारा लिखा जाता था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जो बंगाली पत्र था, उसमें उन्होंने जो कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे JF नॉरिस, उनकी आलोचना की थी बहुत ज्यादा, और इसीलिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी को 2 महीने की सजा दी गई थी। और यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन ने लॉर्ड लिटन द्वारा लाए गए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट 1878 के विरोध में आंदोलन चलाया था, जबकि लॉर्ड रिपन के द्वारा लाए गए इल्बर्ट बिल के समर्थन में आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो यहां पर समझो, इंडियन एसोसिएशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस संगठन ने 2 चीजों का विरोध किया और उनके विरुद्ध आंदोलन चलाया। वो 2 चीजें कौन थी? एक तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। जब हम लोग भारत में प्रेस का विकास पढ़ेंगे, तब वहां पर ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि जो लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था और आर्म्स एक्ट लाया गया था, उसके विरोध में आंदोलन चलाया गया, जबकि जो लॉर्ड रिपन के द्वारा इल्बर्ट बिल पारित किया गया था, उसके समर्थन में आंदोलन चलाया था। अब आपको समझना है कि जो इल्बर्ट बिल में ऐसा क्या था जिसके समर्थन में इंडियन एसोसिएशन के द्वारा आंदोलन चलाया गया। देखो, इल्बर्ट बिल की हम लोग बात करें, तो इसे लॉर्ड रिपन के द्वारा 1883 में लाया गया था, ठीक है। इल्बर्ट बिल को लॉर्ड रिपन के द्वारा 1883 में लाया गया था, और इस बिल में ये था कि पहले क्या होता था, इस बिल से पहले, कि जो भारतीय जिला जज है वो अंग्रेजों की सुनवाई नहीं कर सकता था, उसे अधिकार नहीं था कि आप अंग्रेजों के किसी भी मुद्दे पर सुनवाई करेंगे। लेकिन इल्बर्ट बिल के आने के बाद क्या हुआ कि जो भारतीय जिला जज होता था वो अंग्रेजों की भी सुनवाई कर सकता था, ठीक है। तो इसी बिल, ये बिल था, और इसी बिल के समर्थन में इंडियन एसोसिएशन ने आंदोलन चलाया था, क्योंकि ये एक अच्छी चीज थी, ठीक है। उसके बाद देखो, इंडियन एसोसिएशन ने क्या किया कि जितने भी बुद्धिजीवी थे उनको एक मंच पर लाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था 29 दिसंबर 1883 में, ठीक है। तो ये जो इंडियन एसोसिएशन था, ये एक बहुत ही व्यापक स्तर पर संगठन बन चुका था, तो इसने कहा कि जो और भी बुद्धिजीवी हैं उन सबको एक मंच पर लाया जाए, और इसी के लिए इंडियन एसोसिएशन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। कब किया? 29 दिसंबर 1883 में, ठीक है। और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी संस्थापक कौन बने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। तो एक तो यहां पर डेट याद रखिए कि इंडियन एसोसिएशन के द्वारा जो पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, वो 29 दिसंबर 1883 को किया गया था,
और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? आनंद मोहन बोस ने। ठीक है, तो पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इसके अध्यक्ष कौन थे? आनंद मोहन बोस। ठीक है, उसके बाद देखो द्वितीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? कांग्रेस की स्थापना से 3 दिन पहले, यानी कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, तो 3 दिन पहले यानी कि 25 दिसंबर 1885 को द्वितीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। और इसी आयोजन के चलते उधर सुरेंद्रनाथ बनर्जी अपने कॉन्फ्रेंस में बिजी रहे और वो कांग्रेस की स्थापना वाले अधिवेशन में भाग नहीं पाए, लेकिन अंत में कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े थे आके। तो फिर क्या किया गया कि 1886 में इस इंडियन कॉन्फ्रेंस या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में ही हो गया। ठीक है, फिर एकमात्र संगठन के रूप में कांग्रेस ही बचा, इंडियन एसोसिएशन, भारत संघ या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कांग्रेस में ही कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात थी इंडियन एसोसिएशन भारत संघ की। ठीक है, और ये ध्यान रखना 1886 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो विलय था वो कांग्रेस में हुआ था 1886 में। बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कांग्रेसन की स्थापना अधिवेशन में कौन सा बड़ा नेता शामिल नहीं था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर जो पीछे की बात थी वो भी बता दी, क्योंकि जो सेकेंड नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी 25 दिसंबर 1885 को, उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी बिजी थे, इसीलिए वो कांग्रेस की स्थापना वाले अधिवेशन में भाग नहीं ले पाए। आगे देखो हम लोग बात करें तो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना देखो कब हुई? 1875 में, और किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस के द्वारा। ठीक है, कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन। उसके बाद देखो बंबई प्रेसिडेंट एसोसिएशन, इसकी स्थापना देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बंबई प्रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई थी और ये 3 लोगों के द्वारा की गई थी। एक थे फिरोज शाह मेहता, दूसरे थे बदरुद्दीन तैयब जी और तीसरे थे के टी तैलंग। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बंबई प्रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? फिरोज शाह मेहता, तैयब जी और के टी तैलंग के द्वारा 1885 में। उसके बाद देखो बंबई एसोसिएशन की स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो 26 अगस्त 1852 को दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की तर्ज पर बंबई एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो बंबई एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी और कब की थी? 26 अगस्त 1852 में। और ये जो स्थापना थी वो कलकत्ता के ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की तर्ज पर की गई थी। अब देखो एक और बहुत महत्वपूर्ण संगठन आ गया, पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा की हम लोग बात करें तो ये 1970 में महादेव गोविंद राणा डे और गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो पूना सार्वजनिक सभा, इसके जो संस्थापक थे वो महादेव गोविंद रानाडे थे और महादेव गोविंद रानाडे ने गणेश वासुदेव जोशी की सहायता से पूना सार्वजनिक सभा का गठन 1970 में किया था। अब देखो ये 1970 नहीं होगा, ये 1870 होगा। ठीक है, वही मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, इसको आप लोग ठीक कर लेना। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा का गठन हुआ था और 1875 में पूना सार्वजनिक सभा ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की थी।
तो ये एक बहुत बड़ा काम पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा किया गया था कि ब्रिटिश संसद में इन लोगों ने भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग को करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स जो ब्रिटिश संसद है उसमें दो सदन है, जैसे अपने यहाँ राज्यसभा और लोकसभा होता है वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। तो जो ब्रिटिश संसद का हाउस ऑफ कॉमन वाला जो सदन था उसमें पूना सार्वजनिक सभा ने भारतीयों के प्रत्यक्ष मांग की, भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग को प्रस्तुत करते हुए एक याचिका प्रस्तुत की थी। ठीक है, तो ये बात हो गई पूना सार्वजनिक सभा की। 1870 में स्थापित किया गया, किसके द्वारा? महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा, और किसके सहयोग से? गणेश वासुदेव जोशी के सहयोग से। ठीक है, फिर 1875 में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए इस संस्था ने ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की थी। उसके बाद देखो मद्रास महाजन सभा, ये भी पूछा जा चुका है। तो मद्रास महाजन सभा की बात हम लोग करें तो इसकी स्थापना 1884 में किसके द्वारा की गई थी? एम बी राघवचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चारलू के द्वारा। तीन लोग मद्रास महाजन सभा की स्थापना में शामिल थे। कौन कौन? एम बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चारलू। और इस मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? 1874 में। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोग बात करेंगे लंदन इंडिया सोसाइटी की। तो लंदन इंडिया सोसाइटी 1865 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित की गई थी। अब देखो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित दूसरा संगठन है। पहला कौन था? बम्बई एसोसिएशन, और दूसरा कौन सा है? लंदन इंडिया सोसाइटी। तो लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1865 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। अब लंदन इंडिया सोसाइटी के सदस्यों की हम लोग बात करें तो इसमें फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और ब्योमेश चंद्र बनर्जी जैसे लोग शामिल थे। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लंदन इंडिया सोसाइटी के सदस्य कौन कौन थे। तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और ब्योमेश चंद्र बनर्जी। बाद बाकी लंदन इंडिया सोसाइटी की देखो स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने, और कब की थी? 1865 में। अब देखो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की हम लोग बात करें तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी और इसकी शाखा बंबई में स्थापित की थी। तो तीन संगठन दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किए गए। एक था बंबई एसोसिएशन, ये आपका बंबई एसोसिएशन, दूसरा था लंदन इंडिया सोसाइटी, और तीसरा हो गया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो इन तीनों संगठनों की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, क्योंकि कभी क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि विकल्प में आपको चार संगठन दे देगा और फिर पूछ लेगा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने नहीं की थी। इस तरीके से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि तीन ऐसे संगठन है जिसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की है। अब देखो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की अब हम लोग बात करें तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में लंदन में विलियम एडम के द्वारा स्थापित की गई थी। और ये जो सोसाइटी थी ये लैंड होल्डर सोसाइटी, हाँ ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को लैंड होल्डर सोसाइटी सहयोग करती थी। जो अभी हम लोगों ने आगे पहले लैंड होल्डर सोसाइटी पढ़ी वो लैंड होल्डर सोसाइटी इस ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मदद करती थी। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में लंदन में विलियम एडम के द्वारा स्थापित की गई थी। उसके बाद देखो नेशनल इंडिया एसोसिएशन, नेशनल इंडिया एसोसिएशन की हम लोग बात करें तो ये 1870 और 71 में लंदन में मैरी कारपेंटर व मैनिंग के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है,
तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, देखो विलियम एडम, कंफ्यूज नहीं होना है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन विलियम एडम के द्वारा और नेशनल इंडिया एसोसिएशन मैरी कारपेंटर बा मैनिंग के द्वारा, ठीक है। तो ये सारे राजनीतिक संगठन थे जो कि कांग्रेस से पूर्व स्थापित किए गए थे। और ये देखो एल्बर्ट बिल है, इसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, वैसे तो मैंने आपको समझा दिया। एल्बर्ट बिल 1883 में लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था और इसके अंतर्गत अब भारतीय जिला जज अंग्रेजों के मामलों की भी सुनवाई कर सकता था, जबकि भारत पहले क्या था, भारतीय जिला जज अंग्रेजों के मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकता था। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपने पत्र, बंगाली नाम याद रखना, मैं एल्बर्ट विवाद के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जे एफ मॉरिस, सॉरी मॉरिस की तीखी आलोचना कर दी थी, जिसके कारण बनर्जी को 2 माह की सजा मिली थी 1883 में, ठीक है। तो ये हो गया एल्बर्ट बिल की बात, किसके द्वारा लाया गया था, लॉर्ड रिपन के द्वारा, और कब लाया गया था, 1883 में, और एल्बर्ट बिल के सपोर्ट में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक आपका पूरी तरीके से समाप्त हो गया, और अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कांग्रेस के स्थापना की, ठीक है। वहाँ से हम लोग आधुनिक इतिहास के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चरण में पहुँच जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना के बाद से क्वेश्चन की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।